बंधुगण नमस्कार। कोरोना विषय मुझे कतोटी कथा आपको जाऊँगी। कोरोना बहुत क्षिप्र गति में बढ़ी चलती। हॉस्पिटल रे रोगी मान बहुत भिड़ समस्त डाक्तर माने पारू पर्यन चेष्टा कर देखुं तथापि केतेज बंधु केतेज रोगी माने ठीक उपकार पाई अभियोग कर आंसर आम शुणा पाच मुझा कहवाक चाहिए आपन को आज ये भिड मध्यम जे जदि लक्षण मान आप देखा कौन कौन लक्षण ज्वर मुंड बथा भयंकर दुर्बलता देह हाथ में पीड़ा पवन उठेबा किंबा धनसने लगवा काश ये सब नुआ कोरोना भूताणी नुआ प्रकार भाव लक्षण मान सब देखा जाउछ। आखि रंग पड़ा आखि नाली पड़ा ये सब लक्षण मान देखा जाउछ। जदि ए लक्षण मान आपण मानकर थिबो तुरंत हॉस्पिटल जांतु। आउ गोटे बड़ कथा होची जदि ए सिम्पटम्स मान आप देखा गला पल्स ऑक्सीमीटर टे नियंतु। पल्स ऑक्सीमीटर सब दुकान आज कल मिलला बहुत जगह मिलूची बहुत कष्ट नुहे आज कल से पाइबार। जदि 96-95% पर्यंत आपंकर ऑक्सीजन जदि देहरे रहुची डाक्तर को पचारिकरी घरे रहिबाक चेष्टा करंतु घरे औषध सेवन करंतु। कोरोनार औषध बहुत बड़ बड़ औषध नुहे साधारण पारासेटामोल टे आजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन डाक्तर माने लिखुचंती जिंक लिखुचंती विटामिन टी लिखुचंती सबुडा सब आपण खाई घरे रहंतु। टिके दूरत्व मेंटेन कर रहंतु परिवार वर्गों ठाउ तो दूरे कि रहंतु। झाड़ा पानी रा व्यवस्था अलग करंतु बिछना अलग करंतु। ए सब आपण मानिकरि घरे मध्ये रहि परिबे कोनोसी भयर कारण नाही। जदि आपण को धोइसे लागुची जदि आपण को पल्स ऑक्सीमीटर रे 94% थु कम देखौची तुरंत हॉस्पिटल को जानतु डाक्टर को आउथरे रिक्वेस्ट करंतु आपण को आउथरे देखिबे। आउ जदि हॉस्पिटल रे एडमिशन रे व्यवस्था करिबे आउरी भल आपण को एडमिशन करबा दरकार मध्ये 92% रु 90% रु जो मानकर कम रहिला तांको पे निहाती हॉस्पिटल एडमिशन निहाती जरूरी। आउ ऑक्सीजन मध्ये हॉस्पिटल एडमिशन रो प्रधान उद्देश्य होची हम ऑक्सीजन नबा ओ आउ के आउ के इंजेक्शन माध्यम रे हमको ट्रीटमेंट करा हो। हॉस्पिटल रो उद्देश्य होची सेया खाइबा पीबा उपरे कोनोसी बारण नाही। बंधु माने मते टेलीफोन करी पचारछंती खाइबा पीबार कोन खाइबा पीबार कोनोसी बारण नाही। अत्यधिक परिमाण रे पानी पियंतु। खाद्य उपर कौन बारण ना जहां आप घर या सामान्य प्रोटीन युक्त खाद्य खाइले आहरी भल फलमूल खाइबार कौन प्रतबंधक ना मंस खाइबार टी प्रतबंधक कहीं हटात हजम नहीं पारे अंडा माछ खाइबार कौन आवश्यक ये किसी मना ना ज्वर पांच रु सात दिन ज्वर चार पांच दिन ज्वर रही जदि आठ रु दस दिन ज्वर रहा कौन भयभीत हमारे कौन कारण ना केतक अंशर केतक व्यक्ति मान पाखे नौ दस दिन ज्वर रोचे कोरोना ट्रीटमेंट सहित ये ज्वर निजे निजे चल व्यस्त हमारे कारण ना केतक व्यक्ति मैंने दस दिन पर पर्यंत भाईरस देहरे रहे दस दिन पर भाईरस चली जाए जो मानकर छाती रे निमोनिया किंबा धनसनी टिके होचंती दस दिन पर हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज होती किसी धनसनी होची निश्वास प्रश्वास नबार चेष्टा कष्ट होची से माने किसी डाक्टर को परामर्श करिबा निहत दरकार तापरे परे जो चेकअप करिया को आमे कहि थौ से माने आसी डाक्टर को देखा करंतु आमे एक्सरे करिबु किंबा सीटी स्कैन माध्यम रे आउथरे आउ कोन असुविधा हे छला देखियो पड़िबो बेले बेले कोन हे आमे 10 रु 12 दिन 14 दिन मध्ये पेशेंट मान को रखि गिरी 15 दिन रे मध्ये छाडु छु हॉस्पिटल सेही पेशेंट मान को आमे सांगे सांगे छाडुनी हॉस्पिटल को। ए सब जिंस गुडा मोटामोटी उपर मु आपन कहियो चाहौ छी अल्प सिम्पटम्स किंबा पल्स ऑक्सीमीटर रे 94-95% रही व्यस्त होवार दरकार ना घरे औषध खातु घरे भल भाव रुहतु अन्य मानकु दूरे रही कारण हॉस्पिटल रे वर्तमान जो कोरोना पेशेंट मान को जो भिड़ से समस्त हॉस्पिटल रखा हम संभव नई पारे। कोरोना द्वितीय लहरी चली पीक पर्यंत आसीनी पीक मे मस 15 तारीख किंबा 30 तारीख मध्य पीक आसीपे धीरे धीरे कोरोना निम्न गति आरंभ हम धीरे धीरे कमिबा कोरोना आरंभ हम सरकार सब सुविधा कर दे सरकार सब हॉस्पिटल तुरंत जा परामर्श कर चिकित्सा करें ये केवल
अल्प लक्षण युक्त लोक मानी टीके 94% रु जदि कम रहा अक्सीजन साचुरेसन धनी लगेगा तुरंत हस्पिटा आसतु डाक्तर परामर्श कर हस्पिटा रहा व्यवस्था करदेव धन्यवाद।